जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं SSC CPO यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो होती है दिल्ली पुलिस में, और CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भर्ती होती है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। हालाँकि दो दिन लेट हो गए हैं, तो इसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी दी जाने वाली है। इस वीडियो के बाद में आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, तो सारा कुछ बताया जाएगा कि कैसे होगी तैयारी। 1876 पद बहुत कम है, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा जैसी कहावत SSC ने कर दिखाई है सच में, ठीक है। तो आखिर क्या मनसा है SSC की और क्या चाहती है SSC, ठीक है। CPO यानी कि पूरी पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं, यहाँ से दिल्ली पुलिस में जाते हैं, फिर भी 1876 पद, वो भी ऑल इंडिया लेवल से, ठीक है। खैर, फॉर्म डेट क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा और सैलरी क्या रहेगी, मेडिकल क्या रहेगा, पोस्ट तो कम है ही लेकिन पोस्ट कंपटीशन कितना रहेगा ये भी जान रहे होंगे, और ख़ास तौर से मेडिकल के बारे में जान रहे होंगे कि मेडिकल इन्होंने सीधे सीधे लिख रखा है कि आइए आप और आपके शरीर में इस तरीके की हमें चीज़ें चाहिए, ठीक है, आपका शरीर इस तरीके का स्टैंडर्ड पास करता हो, ठीक। किस पद पर आप कमांडो बन सकते हैं, जैसा कि आप वर्दी देख रहे होंगे, ये श्रीमान की मैंने गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर फोटो लगाई है, मैंने नाम को यहाँ ब्लर कर रखा है, ठीक है। तो ये CRPF के कोबरा कमांडो हैं और कोबरा की वर्दी है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत वर्दी है, और आपको भी इस तरीके की वर्दी मिल सकती है अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो। देखिए, ये सबमिशन की डेट है 22 तारीख यानी कि 22 जुलाई, जो कि एक दिन पहले से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आज 23 तारीख है, एक दिन पहले यानी कि 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, और 15 अगस्त तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ठीक है। हालाँकि करेक्शन डेट भी दे रखी है इन्होंने, अगस्त में ही 16-17, ठीक। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो पेपर फर्स्ट की अक्टूबर में आएगी, और सेकंड पेपर की एज़ पर शेड्यूल यानी कि शेड्यूल के अनुसार होगा, ठीक है। जो फीस है वो 100 रुपये आपकी जनरल OBC EWS कटेगी, और SC ST फ्री रहेंगे यानी कि जीरो चार्ज रहेगा, और महिलाएं भी फ्री रहेंगी, ठीक है। ये बात रही कि यानी कि 20 साल से लेकर 25 साल तक, यानी कि 18 का कॉलम नहीं है यहाँ पर, 20 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। यदि आप दिल्ली पुलिस में जाना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, नहीं तो आप CAPFS यानी कि उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है किसी भी बोर्ड यानी कि यूनिवर्सिटी से। आप देखिए यहाँ पर हाइट कितनी ली जाएगी, OBC जनरल SC कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है उसकी कैटेगरी, उसकी चीज़ें दी गई हैं, 100 मीटर रनिंग होगी, दो रनिंग है, 100 मीटर और 1600 मीटर रनिंग। 100 मीटर आपकी 16 सेकंड में होगी, 1600 मीटर जो है वो 6.5 मिनट में होगी, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में आपका लॉन्ग जंप आ जाता है 3.65 मीटर, आपको 3 चांस दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर तीनों चांस में फेल हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, ठीक है। हाई जंप 1.2 मीटर आपको कूदना होगा, और इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। शॉर्टपुट आपको 4.5 मीटर दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए शॉर्टपुट नहीं है, महिलाओं के लिए चाहे, अब देखिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट ST को छूट दी गई है, हाइट में 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 77 से 82 सीना होना चाहिए, यहाँ पर सीना में भी उनको छूट दे दी गई है, ठीक है। सेम जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो सेम है, ठीक है, PET। फीमेल का देखते हैं, जनरल OBC SC यानी कि 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना उनका नपता नहीं है, 100 मीटर और 800 मीटर के दो रनिंग है, ठीक है। यानी कि 100 मीटर 18 सेकंड में पास करनी होगी और 800 मीटर 4 मिनट में पास करनी होगी, ठीक है। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर की, इसमें 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। 0.9 मीटर की हाई जंप है, उसके बाद में शॉर्टपुट महिलाओं के लिए लागू नहीं है।
ये देखिए, ये वैकेंसी है सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ में है, ठीक है, 800 कुछ करीब, ठीक है, उसके बाद में सीआईएसएफ में, उसके बाद में बीएसएफ में, ठीक इस तरीके से ये 1876 वैकेंसियाँ बांट दी गई हैं, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको ग्रेड पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वही पुराना सिलेबस है, कोई नया नहीं है, रीजनिंग, इंग्लिश, सीएस और मैथ, 50-50 क्वेश्चन होंगे और 50-50 मार्क्स होंगे, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक। उसके बाद में आपका सेकंड जब पेपर होगा 200 मार्क्स का, और 200 ही क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स होंगे, ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब देखिए इसका जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलेगी। सबसे पहले आपका फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि पीएसटी और पीईटी दोनों एक ही दिन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पेपर होगा, अगर सेकंड पेपर पास कर जाते हैं और उसकी मेरिट में आ जाते हैं तो आपका डीएमई होगा, यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी भर्ती की प्रक्रिया। और या एक बात याद रखना कि दोनों ही पेपर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय होंगे, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, यानी कि आपका लिखने का काम नहीं होगा, ठीक है। और दोनों ही पेपर के लिए 1.3 की निगेटिव मार्किंग, यानी कि 33.33% की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फ़ायदा मिल सकता है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो एनसीसी सर्टिफिकेट रखे हैं, चाहे वो ए हो, बी हो या फिर सी हो, ठीक है। और ये चीज़, ये फ़ायदा मिलेगा पेपर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि दोनों में ही, ठीक है। 3 कैटेगरी होती हैं, सी, बी और ए। यदि सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स की छूट मिल सकती है, या फिर मैक्सिमम मार्क्स के 5% आपको छूट मिल सकती है। बी सर्टिफिकेट है, 6 मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर 3 मार्क्स अधिकतम में से मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स की छूट मिल सकती है दोनों ही पेपर में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखिए ये सिलेबस रहा, ठीक है, बहुत छोटा छोटा यहाँ पे दिखता होगा, तो ये पूरी पीडीएफ जो है वो ग्रेट पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, वहाँ से आप तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको इच्छा लगे कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बता ही दिया, तो आपका ये जो कितनी कितनी हाइट चाहिए, कितना कितना चेस्ट चाहिए, वो सब मैंने बता दिया है, ठीक है। 100 मीटर, 1600 मीटर रनिंग होगी, ठीक है, 16 सेकंड में और 6.5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग जंप, ये पुरुषों के लिए, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सब बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए इस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इन्होंने यही नोटिस में ही लिख दिया है कि हमें आपके शरीर में ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले बोला है, ऑल ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन पेपर सेकंड विल बी मेडिकली एग्जाम्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सीएपीएफएस और एनी अदर मेडिकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट सर्जन बिलोंगिंग टू ग्रेड 1 ऑफ एनी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप यदि पेपर सेकंड को क्वालिफाई कर जाते हैं और जो आपकी मेरिट लगेगी उसको पास कर जाते हैं, तो आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और आपका जो मेडिकल ऑफिसर है वो सीएफएस, यानी कि आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस का होगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का होगा, या फिर किसी कोई ऐसा मेडिकल ऑफिसर होगा या फिर असिस्टेंट सर्जन होगा जो कि ग्रेड 1 हॉस्पिटल से, या तो सेंट्रल का ग्रेड 1 हॉस्पिटल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का ग्रेड 1 हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी से बिलोंग करता होगा, ठीक है। ऐसा ऑफिसर आपका मेडिकल करेगा। यदि आपको मेडिकल में रिव्यू मेडिकल दे दिया जाता है, ठीक है, यानी कि आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, रिव्यू मेडिकल कर दिया जाता है, तो रिव्यू मेडिकल जो है वो भी इसी तरीके से बोर्ड द्वारा
आपका किया जाएगा, ठीक है विल बी कंडक्टेड ट्यूशन नेक्स्ट डे ऑफ द डीएमई की डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के नेक्स्ट डे आपका रीमेडिकल होगा, अगर आपको रीमेडिकल मिल जाता है तो, ठीक है। उसके बाद में डिसीजन ऑफ द रीमेडिकल बोर्ड एंड रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी द फाइनल डिसीजन, ठीक है, नो अपील एंड रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रीमेडिकल बोर्ड एंड रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी द एंट्रेस, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आप यदि आपको अनफिट या फिर फेल कर दिया जाता है तो आप किसी भी तरीके से जो मेडिकल रीमेडिकल ऑफिसर है रीमेडिकल बोर्ड है उनके उनसे अपील नहीं कर सकते, ठीक है, उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। अब आई साइट का देख लीजिए, इन्होंने ये तो बोल दिया कि ऐसा ऐसा चाहिए, आई साइट का सीधा सीधा बोला है कि मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आइज होना चाहिए एंड N9 यानी वर्स आइज होना चाहिए, ठीक है, और द मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6x6 बेटर एंड 6x9 वर्स आइज, बोथ आइज विदाउट एनी करेक्शन इज लाइक वेयरिंग ग्लासेस एंड द सर्जरी ऑफ एनी काइंड इम्प्रूव विजुअली एसोटी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बोल रहे हैं कि अपनी जो दृष्टि है वो ठीक होना चाहिए, ऐसी कोई दृष्टि नहीं होना चाहिए जो कि किसी सर्जरी से आपने ठीक करी हो या फिर चश्मा चढ़ाकर ठीक करी जा सकती है। यानी कहने का इनका मतलब है ना तो सर्जरी मान्य होगी ना ही चश्मा मान्य होगा। आपको मैं याद दिला दूं कि SSC GD के मेडिकल हो रहे हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को बारीकी से देख रहा है, ठीक है। हमने एक वीडियो बनाई है जो कि लगभग 8 से 10 महीना पहले की, बहुत सारा व्यूज़ मिला है उस पर, तो आप भी उसको देख लीजिए। आंखों की है कैसे पहचाने हमारे यहाँ के 6x6 हैं या 6x9 हैं या 6x12 हैं या 6x18 हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया है कि द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉकनी, किसी भी कैंडिडेट के नॉकनी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये घुटने हैं ये वाले ये दोनों मिलने नहीं चाहिए, ठीक है। फ्लैट फूट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि पीछे की नस जो है पैर की वो नहीं दिखनी चाहिए। स्क्वाइंट इन आइज, आइज में स्क्वाइंट नहीं होना चाहिए। दे शुड पोजेस हाई कलर विजन, यानी कि अच्छा कलर विजन, मतलब यानी कलर विजन नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दे मस्ट बी द गुड मेंटेन एंड बॉडीली हेल्थ, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी फिजिकली डिफेक्ट लाइकली द इन्फ्लुएंस, ठीक है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आपकी जो ड्यूटी के लिए भर्ती की जा रहे हैं तो उस ड्यूटी के लिए बिल्कुल फिट मेंटली और फिजिकली दोनों होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वुड एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जो फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे वो ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, ठीक है, जिसमें आपके 7 ऑप्टिकल्स इवेंट कराए जाएंगे जो कि इसमें है, ठीक। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड कराया जाएगा, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड कराया जाएगा, टार्जन स्विंग है, और जंपिंग ऑन द हॉरिजेंटल बोर्ड और पैरेलल रोप और मंकी क्रॉल और वर्टिकल रोप, ये सारे ट्रेनिंग का हिस्सा रहेंगे आपके, ठीक है। आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो अब ये रही पूरी जानकारी। सबसे पहले हमने जाना कि इसके फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, एज क्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका सिलेबस देखा, ठीक है, डिटेल सिलेबस और सूक्ष्म सिलेबस दोनों ही हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद में हमने जाना कि मेडिकल किस तरीके से करेंगे और आई साइट किस तरीके से लेंगे। उसके बाद में एक चीज़ और बच जाती है सैलरी का, सैलरी का मैंने बता ही दिया, लगभग 35,400 से लेकर 1,12,400 तक ही पहुँचेगी, ठीक है। आपको ट्रेनिंग में लगभग 45 से 50 हज़ार आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी मोटी थोड़ी सी भी जानकारी अगर मिली हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना दोस्तों ने। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।